नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े। इस पकोड़े में हम प्याज और बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिक्सिंग बाउल में 2 कप बेसन लेंगे, 1/2 चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। अब पत्ता गोभी को इस तरह पतले पतले करके काट लेंगे और इसमें डाल देंगे। सबको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, हाथों से मसल मसल कर इसको गूंथ लेंगे और इसका कंसिस्टेंसी एक डो जैसा बनाएंगे। डो को बनाने के लिए पानी का यूज बहुत ही कम होगा। पकोड़े बनाने के लिए मिक्सचर अभी रेडी है। कढ़ाई में तेल अच्छी तरह गर्म होने के बाद हम इस मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा डालेंगे और डीप फ्राई करेंगे। पकोड़े बनाते वक्त फ्लेम को मीडियम में ही रखेंगे। पकोड़े अच्छी तरह अभी फ्राई हो गई है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे। हमारे क्रिस्पी पकोड़े अभी अच्छी तरह बनके तैयार है। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपकमिंग न्यू वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।